he has star. और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज आपको रखे आगे. नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज. आपके साथ मैं हूं सुमैरा खान. क्या सरकार जनता के पैसे पर विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस की मदद करने जा रही है? आज ये सवाल उठे क्योंकि नागरिक उड्डयन मंत्री वयला रवि किंगफिशर को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं. सवाल ये है कि जब सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ाने की कोशिश की, कुछ नहीं किया गया तब लोगों को राहत देने के लिए, निजी कंपनी को बचाने के लिए क्यों टैक्स घटाने और बैंकों से मदद दिलाने की पहल सरकार कर रही है? पेट्रोल के दाम 1.82 रुपए बढ़ने के बाद देश में जो हाहाकार मचा है उसे सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है. महंगाई से मारी जनता का न दुख देखने का समय है सरकार के पास, न दर्द सुनने की फुर्सत. लेकिन देश की बड़ी शराब कंपनी के मालिक की एयरलाइंस कंपनी को बचाने के लिए सरकार बेचैन हो गई. एयरलाइंस कंपनी है किंगफिशर और कंपनी के मालिक है विजय माल्या. यूबी ग्रुप के नाम से बिजनेस एम्पायर चलाते हैं विजय माल्या. माल्या की कंपनी हर साल निकालती है हसीन मॉडलों की अदाओं से सजा किंगफिशर कैलेंडर. विजय माल्या की कंपनी यूबी होल्डिंग्स लिमिटेड देश की बड़ी शराब कंपनी. किंगफिशर में शराब कंपनी यूबी होल्डिंग्स लिमिटेड का 40% से ज्यादा हिस्सा है. 9 मई 2005 को विजय माल्या ने 5-स्टार किंगफिशर एयरलाइंस शुरू की थी. 6 साल बाद 5-स्टार एयरलाइंस कहां पहुंच गई ये भी जान लीजिए. हर रोज 3 करोड़ का घाटा, 7,000 करोड़ का कर्ज, एक हफ्ते में 120 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, 840 करोड़ बकाए के कारण तेल कंपनियां तेल देने के लिए तैयार नहीं, पायलट और क्रू को वेतन देने के लिए पैसे नहीं, पायलट और क्रू विमान उड़ाने को तैयार नहीं, बंद होने के कगार पर पहुंच रही है किंगफिशर एयरलाइंस. महंगाई से देश भी त्राही त्राही कर रहा है लेकिन सरकार ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है. लेकिन सरकार से ये नहीं देखा जा रहा है कि किंगफिशर तिल तिल कर मरे. और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं. आपको बता दें हमारे साथ कौन कौन रहेगा इस चर्चा में शरीक. धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ होंगे, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन के सीईओ. इसके अलावा हमारे साथ हर्षवर्धन जी हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे हमारे साथ. इसके अलावा जुड़ेंगे प्रकाश जावड़ेकर, बीजेपी के नेता, उनसे बात करेंगे. लेकिन इसके अलावा हमारे साथ सुभाष गोयल जी हैं, टूरिज्म एविएशन एक्सपर्ट हैं, और देवेंद्र मोहन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे. और इसके अलावा हमारे सहयोगी विजय विद्रोही भी मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं. सबसे पहले बात करें, अगर शुरुआत करें सुभाष गोयल जी आपसे, इस बात चर्चा की शुरुआत करें कि सरकार किंगफिशर एयरलाइंस को बचाने के लिए जा रही है, उसके लिए बेलआउट पैकेज की चर्चा हो रही है, लेकिन आम आदमी के लिए तो कोई राहत नहीं है. किंगफिशर एयरलाइन को आखिर इस तरह से सरकार बचाने के लिए आगे क्यों इस कदर कदम उठा रही है? देखिए, सबसे पहले सरकार को एयरलाइन को बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हजारों लोगों के रोजगार के सवाल है और इस टाइम टूरिज्म का ये पीक सीजन है. और इसलिए इस टाइम अगर एयरलाइन क्रैश होती है तो इसका जो रिपेल इफेक्ट होगा बाकी एयरलाइंस पे और टूरिज्म इंडस्ट्री पे, ये देश के लिए और रोजगारों के लिए बहुत बुरा होगा. पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो इनपुट्स एयरलाइन को बचाने के लिए चाहिए वो सरकार बिल्कुल नहीं दे रही. सबसे पहले तो जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है उस पर जो टैक्सेस आपने लगाए हुए हैं उनको आपको कम करना चाहिए. जो एविएशन फ्यूल बढ़ा है उस पर आपने कटौती करनी चाहिए. और जो पार्किंग और लैंडिंग चार्जेस हैं वो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड हैं, उनको आपको कटौती करनी चाहिए. और जहाँ तक कंज्यूमर की बात है, आप एक तरफ जैसे ट्रैवल एजेंट्स बैंक गारंटियाँ देते हैं एयरलाइंस को, अब एयरलाइंस जो एडवांस पैसा लेती हैं ट्रैवल एजेंट से और जो रिफंड्स आने हैं उसके लिए एयरलाइन को भी बैंक ट्रैवल एजेंटों को बैंक गारंटी देनी पड़ेगी. क्योंकि सिर्फ पैसेंजर ही नहीं स्टैंडर्ड, जो ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर्स हैं उनका भी करोड़ों रुपए का नुकसान होगा. तो अमेरिका जैसी कंट्री में जहाँ की एक फ्री इकॉनमी है, 9/11 के बाद उन्होंने सारी अपनी एयरलाइंस को टैक्स बेनिफिट्स दिए और काफी मोर देन $1 बिलियन का बेल आउट का वो था. तो अगर हम इंडिया के लिए कर सकते हैं
तो हमें किंगफिशर और बाकी एयरलाइंस के लिए भी करना चाहिए। जी हर्षवर्धन जी, आपको लगता है कि जो सुभाष गोयल जी कह रहे हैं एयर इंडिया के लिए कर सकते हैं तो बाकी प्राइवेट कंपनी के लिए भी करना चाहिए, लेकिन उनके लिए क्यों बेल आउट, आम जनता के लिए तो कोई बेल आउट नहीं है? देखिए, जो जहाँ तक बात है सुभाष गोयल जी ने जो कहा वो कुछ हद तक सही है कि इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, पर सबसे पहले तो मैं क्लेरिफाई करूँगा सुभाष गोयल जी को और बाकी दर्शकों को कि इनपुट कॉस्ट आज से ज़्यादा नहीं है, जब से ये एयरलाइंस लगी हैं शुरू से ही ये इनपुट कॉस्ट ज़्यादा है, और जो बिजनेस मॉडल्स इन एयरलाइंस के जब ये बनाई गई थी उस टाइम इनपुट कॉस्ट को इन्होंने कंसिडर करा था। उसके बाद आप ये देखिए कि किंगफिशर को आप इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि किंगफिशर की जो परेशानियाँ हैं उनके अपने व्यक्तिगत कारणों से हैं। सबसे पहले उन्होंने एकदम इतने ज़्यादा जहाज लिए, एक बिजनेस मॉडल उन्होंने अपना बनाया जो एक अच्छा बिजनेस मॉडल था, पर उसको स्टेबलाइज करने के लिए टाइम चाहिए था। उसके बाद उन्होंने एकदम एयर डक्कन का मर्जर कर लिया, जिस जो हालत उस टाइम एयर डक्कन की थी आज किंगफिशर की वो हालत हो गई है। इसके बाद तीसरा फैक्टर ये है कि ये तीसरी बार जो है बेल आउट पैकेज की बात हो रही है किंगफिशर के लिए। सबसे पहला बेल आउट पैकेज आपको याद होगा कि नवंबर 2008 में सारी एयरलाइंस को दिया गया था, जिसके मेन बेनिफिशरी किंगफिशर और जेट एयरवेज थे, जब फ्यूल क्रेडिट जो था इन एयरलाइंस के लिए और एयरपोर्ट क्रेडिट एयरलाइंस के लिए बढ़ाया गया था। उसके बाद किंगफिशर ने क्या करा, सीधे एकदम अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू कर दी, ये जानते हुए कि इससे कहीं ज़्यादा लॉसेज जो हैं बढ़ेंगे। तीसरा फैक्टर ये कि अगर आप उनको ये लिमिटेड रिलीफ दे भी देते, किंगफिशर की प्रॉब्लम वायबिलिटी की नहीं है, किंगफिशर की प्रॉब्लम उनका जो मैसिव डेट है, जो डेट सर्विसिंग है और जो कैश शॉर्टेज है उसकी प्रॉब्लम है, तो जब तक इनमें एक मैसिव इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स नहीं आता तो ये लिमिटेड सॉल्यूशन से कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। जी धीरेन्द्र जी, आप इस पर क्या कहेंगे, ये लिमिटेड सॉल्यूशन होंगे और किंगफिशर की जो दिक्कत है वो उसकी अपनी दिक्कत ज्यादा है, एविएशन सेक्टर में दिक्कत है लेकिन किंगफिशर की अपनी दिक्कतें ज्यादा हैं? बिल्कुल, किंगफिशर आज के दिन के फाइनेंशियल को देखते हुए और जिस तरह का बिजनेस मॉडल उन्होंने एग्जीक्यूट किया है उसको देखते हुए, जो एक कंपनी जो आज तक कभी पैसा अर्न नहीं कर पाई और एक मैसिव एक्सपेंशन स्प्री और जो जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है ये, और जिस तरह का डेट आज खड़ा हो गया है ये मुझे लगता है बैंकर्स के लिए समस्या है, और शायद इस पूरे एक्सपेंशन के पीछे शायद ये कॉन्फिडेंस रहा होगा कि ये इकोनॉमी का मोमेंटम या कोई मैजिकल चीज़ इसको रेस्क्यू कर देगा। पर इस तरह का फॉल्स ऑप्टिमिज्म, इसके आधार पे एक बिजनेस प्लान का एग्जीक्यूशन मुझे लगता है हमारे देश में बहुत ही मेथोडिकल तरीका होना चाहिए कंपनियों को बंद करने का, क्योंकि आप अपने नुकसान को, अपने डेट को बचाने के लिए आप और बड़ा आप अपना स्टेक बिल्ड करते जाते हैं, और हमेशा जब भी कोई कंपनी बंद होगी मुझे नहीं लगता है कि ये वो एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होगा, ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव और डायनामिक बाजार है जहाँ पे दूसरे ऑपरेटर, क्योंकि इसी बाजार में जहाँ चार ऑपरेटर है वहाँ एक ऑपरेटर है जो कि जिसके पास आज 0 से 20% का मार्केट शेयर हो गया और वो इस सारी दिक्कतों के बावजूद आज वो पैसा बना रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये केवल रेस्क्यू करना कोई सोल्यूशन होगा। एयर इंडिया को रेस्क्यू करना ये वहाँ पे भारत सरकार की भागीदारी है जी। वो भारत सरकार उसका ओनर है। लेकिन आपको लगता है किंगफिशर को रेस्क्यू करना कोई जरूरी नहीं है? मुझे नहीं लगता है कि कोई जरूरी, और हमारे यहाँ मेथोडिकल तरीका होना चाहिए कंपनियों के शुरू करने के लिए और कंपनियों के बंद करने के लिए। जी देवेंद्र मोहन जी, आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे साथ यहाँ एविएशन एक्सपर्ट मौजूद है, बाजार के जानकार हैं, उनका कहना है कि किंगफिशर का अपना जो मॉडल है बिजनेस मॉडल उसमें खामियां हैं, उसमें कमियां हैं, और किंगफिशर तो एक प्राइवेट प्लेयर है, उसे सरकार क्यों बचाए, उसके लिए बेल आउट क्यों, जब आम जनता के लिए कोई बेल आउट नहीं है? देखिए, बात यह है कि सरकार, पहली बात तो ये है कि खाला जी का घर नहीं है। हाँ, ये किसी खाला जी का घर नहीं है, किसी की मौसी का घर नहीं है कि कोई भी आदमी अपनी कंपनी शुरू करे और काफी ग्लैम शैम के साथ, और उसके बाद जब उनको दिक्कतें आने लगे सामने तो वो सरकार से कहेगा हमें बेल आउट करो। इस तरह तो बहुत सी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, वो भी ये कहेंगी। मैं ये कह रहा हूं कि जो एक सज्जन ने इससे पहले मुझसे कहा है कि बिजनेस मॉडल आपका क्या था। देखिए, आप मुझे मालूम है कि आप बड़े शौकीन इंसान हैं, 2 प्लेन हैं 3 प्लेन हैं 4 प्लेन होंगे आपके, लेकिन जो प्लेन आप खुद के लिए उड़ाते हैं और जो जनता के लिए उड़ाते हैं और जो जनता के उड़ाने के लिए जिन प्लेन पर आपका पैसा जाता है या बैंकों का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का,
वो पैसा है उसकी जिम्मेदारी किसकी है। और जिस तरीके से किंग फिशर पैसों को खर्च करता रहा है उससे ये लग रहा था कि उनके पास कोई ना तो कोई बजट है ना कोई ये कोई दूरदर्शिता है या किसी तरह का 5-year plan है या 3-year plan है या कोई ग्रोथ की कोई उन्होंने कोई हिसाब का कोई हिसाब किताब किया होगा। जी इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं पहली बार। जी संजय झा जी भी हमारे साथ हैं, ब्लॉगर हैं, वो जुड़ गए हैं मुंबई से। संजय झा जी, अब यहाँ पर लगातार बात हो रही किंग फिशर की, वो एक निजी कंपनी है, उनका अपना घाटा है, उन्होंने एक बिजनेस मॉडल बनाया, वो काम नहीं कर रहा, तो सरकार क्यों उन्हें बताए, उनके लिए बेल आउट क्यों, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, आम आदमी परेशान है, उसके लिए तो कोई बेल आउट नहीं है। बिल्कुल ये मैं मानता हूँ कि ये काफी गंभीर समस्या है सरकार के लिए भी, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि देखिए जहाँ तक भारत के जो उद्योगपति हैं वो सब लोग एक जो कहते हैं कि पूंजीवाद के समर्थक हैं, सब कैपिटलिज्म में बिलीव करते हैं। मैं तो हमेशा से यही सुनता आता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि आप आर्थिक सुधार लाइए, परिवर्तन लाइए, रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, और जहाँ तक इनका जो हमेशा से एक स्टेटमेंट रहा है कि सरकार का रोल कम होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो नफा बनाए और नए नए मार्केट क्रिएट करें। इसीलिए किंगफिशर पर जो आप आज जो देख रहे हैं कि ये आरोप या आलोचना आ रही है कि सरकार इनको बेल क्यों उनको बेल आउट न करे, इसका कारण यही है क्योंकि देखिए अंत में उनसे गलतियाँ हुई हैं, उनके रणनीति में गलती हुई है। किंगफिशर ने वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उनका एक ऑब्जेक्टिव है कि वो नफा बनाए और प्रॉफिट बनाए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गलती की कि एक डेक्कन एविएशन को उन्होंने 2007 में खरीदा, उनका एक पहले जब वो शुरू किए थे सुमेरा तो लोगों से उम्मीद थी कि वो जेट एयरवेज के साथ कम्पीट करेंगे और एक प्रीमियम प्रोवाइडर थे कि आप किंगफिशर में जाएंगे तो आपको वहाँ एक टीवी दिखेगा, आपके लिए आपके सामान उठाने के लिए कोई एयरपोर्ट के बाहर खड़ा रहेगा। अचानक आप एक लो एयरफेयर के बहुत ही कम्पिटेटिव इंडस्ट्री में उन्होंने एक एंट्री किया, मुझे लगता है कि उससे बहुत ही बड़ा घाटा पहुंचाया हुआ है उन्हें, और इसीलिए स्ट्रैटेजी होती है एक बिजनेस की, आपका क्या क्या उद्देश्य है, आपकी क्या विशिष्ट सोचने के तरीके हैं, उनकी गलती के कारण यदि आज सरकार उनको एक वेवर दे तो मुझे लगता है कि उस पर लोगों को शायद गुस्सा आएगा, क्योंकि आप इसी समय बात करें कि 32 रुपये पे आप एक बिलो द पॉवर्टी लाइन के इश्यूज पे भी काफ़ी वाद विवाद हो रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार को इसमें बहुत समझदारी से इसको देखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक कॉरपोरेट बेलआउट का सवाल है, देखिए दुनिया भर में 9/11 जब 11 सितंबर में जब अमेरिका में जो बॉम्बिंग हुई थी उसके बाद से बहुत सारी एयरलाइंस बैंक्रप्ट हो चुके थे, जो कहते हैं दिवाला हो गया था, तो यहाँ पर भारत में इस तरह के कानून की ज़रूरत है। यदि आप यदि किंगफिशर को कल एक फाइनेंशियल या जो कहते हैं वित्त की कोई असिस्टेंस दें तो उस पर किस तरीके से आप उनको एक गवर्न करेंगे कि उसके लिए वो फायदा होगा या उस पैसा का भी बर्बादी होगा जिसमें फिर सरकार को घुसना पड़ेगा। क्योंकि तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों के बारे में चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि ये बड़ा सवाल है कि बेल आउट अगर किया भी जाता है तो उस पैसे का क्या फायदा होने वाला है या नुकसान, क्योंकि इस पर विपक्ष की भी तीखी प्रतिक्रिया आई है, जिस तरह से व्याला रवि की तरफ से कोशिश की गई, आज दिन भर कोशिशें की गई कि कुछ पैकेज दिया जाए बेल आउट का किंगफिशर के लिए, उसके लिए काम कर रही है, लेकिन बीजेपी का इस पर तीखा विरोध। I can't support it as a finance man. I cannot support such a concession to a private sector entity. You know, there was when we were living in the socialist era, then government used to assume responsibility for private sector companies and establishments which used to fail, and government then used to run them as public sector undertakings at a huge cost. That is a practice which has been given up. If Kingfisher Airlines is not in a position to run on a financially viable basis, then it should find its own way. Band ho, merge kare, kuch bhi kare, bahut tarah ke possibilities hain, but there is no case for a government bailout. जी तो सरकार का क्या तर्क है वो भी हम आपको बताएंगे, इस पर सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है। लेकिन विजय विद्रोही जी, इस पर जो विपक्ष है वो तो खुलकर सामने आ गया, उनका कह रहा है कि कोई तर्क नहीं है, बिल्कुल कोई बेल आउट पैकेज नहीं होना चाहिए, किंगफिशर एयरलाइंस अपना रास्ता खुद ढूंढे।
बिल्कुल सही बात है, और जैसा कि अभी अमेरिका में जब आर्थिक मंदी से जूझ रहा था तब चीन ने अमेरिका को सलाह दी थी कि जितनी चादर हो उतना पांव फैलाने चाहिए, तो उतने ही पांव किंगफिशर को फैलाने चाहिए जितनी चादर है। अगर चादर से बाहर आपका पांव आता है और फिर आप सरकार से कहे कि चादर हमें प्रोवाइड कराए, तो ये कहां का दुख है। दूसरी बात है कि जब बहुत ज़्यादा मुनाफा ये प्राइवेट कंपनियां कमाती हैं तो क्या वो जो अतिरिक्त मुनाफा होता है वो क्या प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में डाल दिया जाता है या किसी नरेगा जैसी योजना में डाल दिया जाता है? ऐसी कोई योजना, ऐसी कोई इस तरह की कोई निजी कंपनी इस तरह का काम नहीं करती। एक किसान के यहाँ फसल खराब होती है अकाल में तो सरकार 10 बार गिरदावरी कराती है कि 100% फसल खराब होगी तो इतना मुआवजा, 75% खराब होगी तो इतना, 50% खराब होगी तो इतना। और यहाँ अगर एक कंपनी अपनी मैनेजमेंट की कंपनियों या अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण अगर पिटती है तो फिर सरकार के पास आती है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि सरकार अगर ऐसे में बेलआउट पैकेज किसी तरह का देती है तो उसके गलत संदेश जा सकते हैं। हाँ, इस बहाने हम ये भी चर्चा जरूर कर सकते हैं कि फिर इंडियन एयरलाइंस जैसी जो सरकारी हाथी बन गई है कंपनी, उसको उस पर नकेल कसने के लिए सरकार क्यों कड़े कदम नहीं उठाती। जी जी, गोयल जी, आप इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं देखिए, आई थिंक आई एम बीइंग मिसअंडरस्टूड। मेरा, मैं ये नहीं कह रहा कि किंगफिशर को कोई कैश बेलआउट दिया जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि इट इज अ सीरियस इशू। आज किंगफिशर फेल होगी, कल को बाकी एयरलाइंस भी फेल होंगी और एयर इंडिया की हालत ऑलरेडी बहुत खराब है। इसका जो रूट कॉज है, जो इनपुट कॉस्ट हैं एयरलाइंस की, चाहे उस टाइम जो इन्होंने बिजनेस मॉडल बनाया था उस टाइम एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कॉस्ट कम थी जी। उस टाइम डॉलर की जो वैल्यू अब बढ़ गई है वो कम थी, तो अगर हमने अपने एविएशन सेक्टर को बनाना है, किंगफिशर रहे या जाए दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। यही सवाल भी खड़ा हो रहा है कि एविएशन इंडस्ट्री को अगर बचाया जा सकता है, उनको राहत पहुंचाई जा सकती है, तो आम आदमी को भी राहत पहुंचाई जा सकती है। हमें एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे जो टैक्सेस हैं वो 4% से ऊपर नहीं होने चाहिए, आज 25% टैक्सेस हैं। जो हमारे लैंडिंग चार्जेस और नेविगेशनल चार्जेस हैं वो बहुत हाई हैं। हमें सिर्फ यू सी किंगफिशर इज ओनली अ सिम्टम, इसके बाद आप देखिए बाकी एयरलाइन, जेट एयरवेज भी कोई खास प्रॉफिट में नहीं है और बाकी जो लो कॉस्ट कैरियर्स हैं जो आज किसी भी तरीके से वो प्रॉफिट शो कर रही हैं, बट कल को इनके ऊपर भी इफेक्ट आएगा। आप पूरी इंडस्ट्री की बात करें कि एविएशन इंडस्ट्री में किस तरह की दिक्कतें और सरकार को उसके लिए क्या कुछ आगे करना चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे। संजय झा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसको बेल आउट भी करो साथ में जी। और देवेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए जी। जी संजय जी, आप जो कह रहे हैं आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद फौरन वापस आएंगे। हाँ, पत्र समूह बंद हो, मर्ज करे, कुछ भी करे, बहुत तरह के पॉसिबिलिटीज हैं, बट देयर इज नो केस फॉर ए गवर्नमेंट बेल आउट। किंगफिशर को बचाने का बीड़ा उठा लिया है नागरिक उड्डयन मंत्री वायलार रवि ने। रवि ने पूरा दिन किंगफिशर को बचाने के रास्ते निकालने में गुजार दिया। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि वो राज्य सरकारों से एटीएफ पर टैक्स कम कराएं और बैंकों से कहकर किंगफिशर को पैसे दिलाएं। एटीएफ यानी विमान जिससे चलता है वो तेल। I said I will also talk to finance minister to take some money from the get the some kind of assistance from the bank. स्टार न्यूज आपसे पूछता है कि क्या आपने कभी सुना है कि वायलार रवि ने पेट्रोल के दाम घटाने के लिए कुछ किया हो? क्या आपने कभी देखा है वायलार रवि को महंगाई से मारी जनता के दुख दर्द पर घड़ियाली आंसू बहाते हुए? आपने कभी नहीं सुना या देखा होगा, क्योंकि वायलार रवि ने कुछ ऐसा किया भी नहीं। किस संदर्भ में नागरिक उड्डयन मंत्री ने या उनके मंत्रालय ने ये फैसला किया है या ये पहल की है, इससे जुड़े हुए सारे तथ्य उसके ऊपर वो बेहतर चानना डाल सकते हैं। वायला रवि उस सरकार का एक चेहरा है जो जनता की कीमत पर शराब कंपनी के मालिक की लग्जरी एयरलाइंस को बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। सुना तो ये जा रहा है कि सरकार इतना तक सोच रही है कि किंगफिशर को सरकारी मदद दी जाए, क्योंकि सरकार मानती है कि समस्या माल्या की कंपनी की नहीं, देश की एयरलाइंस की है। Or the flight is cancelling, it affects the Indian traffic public, the passengers. So whether it is private or Air India is immaterial. The point is Indian carrier. सवाल यह है कि एक निजी कंपनी की एयरलाइंस की मदद जनता के पैसे से क्यों होनी चाहिए?
अगर सरकार आर्थिक पैकेज देगी तो उसमें जनता का पैसा होगा, अगर सरकार टैक्स घटाएगी तो वो जनता का पैसा होगा, अगर सरकार बैंकों से पैसे दिलाएगी तो उसमें जनता का ही पैसा होगा। मेरी राय में बेल आउट का कोई औचित्य नहीं है। अगर किंगफिशर को आप सपोर्ट देते हैं तो हर आदमी को आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। पेट्रोल के दाम बढ़ने पर तो सरकार ने बताया था कि तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है, सरकार ने नहीं बताया कि घाटा क्यों हो रहा है। जिन कंपनियों का सिर्फ एक कंपनी पर 840 करोड़ का बकाया होगा तो वो तेल कंपनियां कैसे फायदे में होंगी? सरकार ने क्यों नहीं तेल कंपनियों से कहा कि ऐसी कंपनियों को कर्ज पर तेल मत दो जो पैसे नहीं चुका सकती है? क्या सरकार विजय माल्या जैसे लोगों का कारोबार चलाने के लिए आम आदमी को मार नहीं रही है? सरकार का घाटा लगातार बढ़ रहा है और घाटा बढ़ने की वजह यह है कि आमदनी नहीं बढ़ रही है और खर्चा बढ़ रहा है, और ऐसे में अगर बेल आउट दिया भी जाए तो आम आदमी को क्यों नहीं, किंगफिशर जैसी एक निजी कंपनी को बेल आउट क्यों दिया जाए, ये सवाल उठा है। देवेंद्र शर्मा जी, इस पर आपका क्या कहना है? देवेंद्र शर्मा जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? देवेंद्र मोहन हमारे साथ देवेंद्र शर्मा जी भी मौजूद हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं? देवेंद्र मोहन, आप मुझसे पूछ रहे हैं? देवेंद्र मोहन कृषि वैज्ञानिक देवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र शर्मा जी, सरकार बेल आउट पैकेज किंगफिशर को क्यों दे, आम आदमी को क्यों नहीं? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे सारे देश की इकोनॉमी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर है। हम कहते हैं कि मार्केट रिफॉर्म्स का मतलब है प्राइवेटाइजेशन करना, प्राइवेटाइजेशन मतलब है कि एफिशिएंसी। और जब कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां डूबने लगती हैं या कर्जे में डूब जाती हैं तो उनको सरकार बेल आउट करती है। यानी अब क्रीम भी आप खाइए और जब आपको तकलीफ हो तो सरकार और जो आम आदमी है उससे टैक्स लेकर उनको इंश्योर करिए कि अमीर आदमी को कोई नुकसान ना हो। पिछले 15 साल से 2.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। 2010 में 15,964 किसानों ने आत्महत्या की है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है। और वो सब कर्जे के नीचे दबकर ही लोग आत्महत्या करते हैं, कभी सरकार उनको बेल आउट की बात नहीं करती है। तो ये क्या कारण है कि जब प्राइवेटाइजेशन के जमाने में अगर एक प्राइवेट एयरलाइन लॉस में जा रही है या उस क्राइसिस में है तो उसको बंद क्यों नहीं होने दिया जाता? तभी तो मार्केट रिफॉर्म्स ठीक हो पाएंगे, तभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ठीक हो पाएंगे। अगर हम उसको इस तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे तो ये छुपा रहेगा कि इसमें क्या कमियां हैं मार्केट रिफॉर्म्स में, जो कि हम एक गलत मॉडल जो है देश में इंपोज कर रहे हैं। जी हर्षवर्धन जी, इस पर आप क्या कहेंगे जो देवेंद्र शर्मा जी ने कहा कि गलत मॉडल होगा? ये तो कॉम्पिटिशन की बात करते हैं ना, कॉम्पिटिशन करने दीजिए, जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं जीत सकता कॉम्पिटिशन से वो खुद बंद हो जाएगा, सरकार को बेल आउट करे। देखिए, दो तीन चीजें मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि 30 साल पहले जब हम लोग पब्लिक सेक्टर में एयरलाइंस चलाते थे तो यही प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट हम लोगों को आके कहते थे कि साहब जिस दिन आपने इस सेक्टर को खोल दिया उस दिन हम क्या चमत्कार कर देंगे, सरकार से एक पैसा नहीं लेंगे और पब्लिक सेक्टर उनसे कम्पीट नहीं कर पाएगा। आज वही प्राइवेट सेक्टर वाले जब भी उनको परेशानी होती है सरकार के पास बेल आउट पैकेज के लिए दौड़ते हैं। दूसरी बात ये कि अभी कहीं चर्चा हुई कि इंडस्ट्री की हालत ख़राब है, तो इंडस्ट्री की हालत ख़राब होने के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि पिछले 5 साल में बेतहाशा कैपेसिटी इंडक्ट करी गई और हर ऑपरेटर सिर्फ मार्केट शेयर की तरफ दौड़ रहा था, जिसमें खासतौर पर किंगफिशर का एक महत्वपूर्ण योगदान था। जिस समय एक भी एयरलाइंस बंद हो जाती है बाकी सारी एयरलाइंस रिवाइव हो जाएंगी और ये सेक्टर जो है अपने आप वायबल हो जाएगा। तो ये बात जो है, इस बात को जो है आपको ध्यान में देना होगा। जी, तीसरा जो है, जो कैपेसिटी कहना चाहता था कि देखिए, जहां तक एविएशन इंडस्ट्री में जितने भी उद्योगपति आए हैं वो सब जानते हैं कि ये काफी इसमें पूंजीवाद में काफी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है और इसमें जब तक आप कैश जनरेट नहीं करेंगे आपके ओवरहेड्स इतने बड़े हैं कि आपको नुकसान उसमें होना ही है। और मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में ये बात सही है कि जब तेल का भाव बदलता है तो उससे इन पर काफ़ी नेगेटिव प्रभाव होता है, लेकिन ये सब आपके बिजनेस मॉडल में आपको ये फैक्टर इन करना पड़ेगा। अब ये कोई बहाना नहीं है क्योंकि इस इंडस्ट्री में दुनिया भर में बहुत सारे एयरलाइंस को ऐसी तकलीफें हुई हैं और बहुत लोग बैंक्रप्ट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि भारत में ये बहुत अच्छा मौका है कि एक ऐसा एक बैंक्रप्सी, एक जैसे अमेरिका में एक चैप्टर 11 है जिसके थ्रू कोई भी एयरलाइन या जो भी कंपनी बैंक्रप्ट होता है वो अपने आप को डिक्लेयर करता है कि मैं बैंक्रप्ट हूँ। उसे उसके शेयर प्राइस शायद गिरते होंगे लेकिन उनको मौका मिलता है कि वो फिर से एक सही तरीके से, तब सरकार एक लीगल तरीके से उनको हेल्प करती है कि आपको बैंक से अच्छे टर्म्स मिले। ये हमारे देश में बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं एक और बात इसमें ज़रूर कहना चाहूँगा
कि देखिए एक जहां तक सरकार की भी एक जिम्मेदारी है कि आजकल हम लोग एयरलाइंस पे ये दबाव जरूर डालते हैं कि यदि आपको दिल्ली बॉम्बे या दिल्ली बैंगलोर बॉम्बे बैंगलोर में फ्लाई करना है तो आपको छोटे छोटे भी जगह में जाना उनके लिए एक मैंडेटरी किया जाता है। मुझे लगता है कि आपको ये फ्री मार्केट कैपिटलिज्म करना पड़ेगा, जहां उनको पैसा मिले उनको फ्लाई करने दीजिए, ताकि जहां भी उनके लिए जहां नफा मिले उनको उड़ाने दीजिए वहां फ्लाइट। यदि आप उन पर कोई सोशल ऑब्लिगेशंस भी डालेंगे, क्योंकि ये रिस्की बिजनेस है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन अगर सरकार बेल आउट देगी तो फिर सोशल ऑब्लिगेशंस भी बनते हैं उनके। देवेंद्र मोहन जी, आप इस पर क्या कहेंगे, क्या सरकार को इनको अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आम आदमी राहत मांग रहा है, उसको तो कोई राहत नहीं दी जा रही, तो फिर निजी कंपनी को राहत क्यों दी जाए, उनका खराब बिजनेस मॉडल है तो वो खुद समझे उसे। देखिए जहां तक बेल आउट का सवाल है, सरकार भी आखिर पैसे कहां से लेगी, बैंकों से लेगी या बैंकों से कहेगी? बैंक तो अब हिचकिचा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम देंगे नहीं आपको पैसे। तो ऐसी स्थिति में जब आम जनता की ये दुर्दशा है, जैसे कि पहले बताया गया है कि कितने किसानों ने आत्महत्या की है और कई सारी समस्याएं, ये गैस सिलेंडर इतने महंगे हो गए हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, उसमें आप जब पब्लिक की ओर नहीं देखते और आप एक आदमी जो शराब बना के बड़ा खुश रहा है सारी ज़िंदगी, अब वो अचानक जहाज उड़ाने के मामले में आ गया है, तो जाहिर है कि शराब बनाने की इकॉनमी जो है और जहाज़ उड़ाने की इकॉनमी में बहुत फर्क है। तो मुझे ये जायज़ नहीं लगता, किसी तरह का जो बेल आउट है वो बिल्कुल जायज़ नहीं है जी। गोयल साहब, आप इस पर मुस्कुरा रहे हैं जो देवेंद्र मोहन जी ने कहा कि किसी भी तरह का बेल आउट उन्हें जायज नहीं लगता। देखिए नहीं, वो मुस्कुराएंगे, कोई कैश बेल आउट की बात नहीं कर रहा, परसेप्शंस हैं। ऑल दैट आई एम सेइंग, इफ अ मैन इज डिजीज्ड दैट्स नो रीजन टू किल हिम। यू सी पीपल आर टेकिंग एन इमोशनल व्यू, पीपल आर नॉट टेकिंग अ रैशनल व्यू। प्लीज डू नॉट गिव दिस लेमैन्स फिलॉसफी। जब किसानों हियर व्हाट वी आर टैकलिंग इज वेरी वेरी हार्ड, बोले कि वो नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम जो चैप्टर 11 की बात हुई है, कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस जो आज इस टाइम वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइन है और इन्होंने यूनाइटेड एयरलाइन के साथ मर्ज करके वर्ल्ड की बिगेस्ट एयरलाइन बन गई, ये दो बार चैप्टर 11 में गई। बट वी आर नॉट यूनाइटेड स्टेट, बट वी आर नॉट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वी आर इंडिया, वेयर इवन एयरलाइंस बिजनेस इज वेरी नेशनल। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, व्हाट आई एम सेइंग इज के नॉट टू गिव किंग फिशर एनी कैश और नॉट टू गिव देम एनी, यू सी व्हाट आई एम सेइंग इज the passengers who are stranded, so how do you bail them out then? Stuck with Kingfisher, how do you bail them out? Their money, how do you bail them funded out? Don't give them any cash, don't give them any fuel. The problem, what do you give them? Of Kingfisher, the only way, देखिए उनको bail कर bail out करने का एक ही तरीका है कि आप उनके debt को reschedule करना पड़ेगा। इसमें आप सही बात कह रहे हैं कि शायद cash की जरूरत न पड़े, लेकिन debt को तो जरूर reschedule करना पड़ेगा। लेकिन उनका debt 6,000 है, बहुत बड़ा debt है। हमारे planners, ये स्थिति तो राज्यों की है इस बार का, वो किया जा सकता है। Aviation industry seriously जी, लेकिन ये तो पहले भी किया जा चुका है किंगफिशर के साथ, ये तो पहले भी उनको बेल आउट दिया गया है इस तरह का। देखिए तीसरा बेल आउट, 6,000 करोड़ तो वैसे ही देने हैं उनको बैंकों को। सर आई एम नॉट, ये तीसरा बेल आउट मांग रहे हैं और उसके अलावा जो उनके जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं वो उनकी कमाई का के 40% से ज्यादा है जी। यहाँ पर वो 4,500 उनका लॉस बहुत ही ऊपर है जी। धीरे धीरे यहाँ पर आपसे जाना चाहेंगे कि जो यहाँ पर बात हो रही है कि उनको इस तरह से बेल आउट ना दिया जाए, उन्हें दूसरी तरह से बेल आउट दिया जाए, उनका जो डेट है उसे रीशेड्यूल किया जाए, क्या ये सब किया जाना चाहिए? क्या एविएशन इंडस्ट्री में परेशानी है ये कहकर किंगफिशर की मदद की जा रही है? नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। इस कंपनी को बैंकरप्ट होने में मदद करनी चाहिए, इसको बहुत रफ्तार से बैंकरप्ट करने, इसको इसके दिवालिया घोषित होने में हमारा इंटरेस्ट है। इससे पूरा एविएशन इंडस्ट्री दोबारा से वायबल हो पाएगा। ये एक इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट का नतीजा है कि इतना बड़ा डेटा डेट खड़ा है, बिल्कुल, और उसको बिल्कुल वही है जब उनके पास, देखिए उनको 5 साल भी नहीं हुए तो उन्होंने डेकन एयर खरीद लिया क्योंकि वो श्रीलंका या नेपाल कहीं जाना चाहते थे, और उसके बाद डेकन एयर को ढक्कन लगा के बंद कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये एक इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट का ये एक अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है और इसमें और ज्यादा बिल्कुल ये गोबर में और घी डालने के बराबर होगा। और इस एयरलाइन के बंद होने के तुरंत बाद मुझे लगता है ये इंडस्ट्री काफी वायबल हो जाएगी, क्योंकि जो जो भी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं
उन्हें सॉल्व करना चाहिए। लेकिन इस कंपनी का जो आउटस्टैंडिंग डेट है और जिस तरह से इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, मुझे नहीं लगता है कि ये रिजोल्यूशन है, ये एक टेम्प्रेरी रेस्पाइट होगा और इससे हमारी समस्या का स्केल और केवल बढ़ेगा। नहीं, मेरे राय में तो इससे इंडस्ट्री की कंपाउंड होगी। अब जो इंडस्ट्री पिछले चार साल से करेक्शन फैक्टर मांग रही है, उसमें पहले आपने एयर डक्कन को मर्ज कर लिया, ए सहारा को मर्ज कर लिया, अब जितनी बार भी वो करेक्शन फैक्टर के लेवल पे आती है, आप एक और एक या किसी दूसरे तरीके से उसके क्राइसिस की लाइफ को एक्सटेंड करे जा रहे हैं और उसका क्राइसिस का वॉल्यूम बढ़ा जा रहा है। तो जब तक आप एक किसी एक क्लासिक एग्जाम्पल नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक इंडस्ट्री में सुधार नहीं आ पाएगा। जी सुभाष गोयल जी, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर जो तमाम एक्सपर्ट है उनका यही मानना है या यही कहना है कि एक को बचाने के लिए बाकी सबको डुबाने की जरूरत नहीं है। अगर एक डूब रहा है वो भी अपनी गलतियों की वजह से, तो उसे बचाने के लिए बाकी पूरी इंडस्ट्री को डुबाने की आवश्यकता नहीं। नहीं, अगर करेक्टिव चीजें नहीं करी गई, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, तो किंगफिशर के बाद आप देखेंगे इंडस्ट्री रिवाइव नहीं होगी और एयरलाइंस इसके बाद ऑलरेडी काफ़ी एयरलाइंस क्लोज हो चुकी हैं या मर्ज हो चुकी हैं, और इसके बाद और एयरलाइंस की भी यही हाल होगा। जी देवेंद्र मोहन जी, इस पर आप क्या कहेंगे? एक को बंद करने से दिक्कत दूर नहीं होगी, और भी बहुत सारे नीतिगत फैसले हैं जो सरकार को करने होंगे। और भी एयरलाइंस हैं, जिनको बड़ी दिक्कतें आ रही हैं और उनकी असलियत भी सामने आ जाएगी कुछ एक महीनों में। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक जो नियम जो बदलना चाहिए सरकार को, वो ये है कि देखिए, अभी तक हम लोग फॉरेन एयरलाइंस को अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त एक बैंक्रप्सी लॉ, आप उनको इकोनॉमिकल या अनइकोनॉमिकल रूट्स के जो डिस्टिंक्शन है अभी जो भीम किया है कि आप यहाँ वहाँ जाना पड़ेगा, उसको हटा दीजिए। और तीसरी बात है कि आप इनको टेक ओवर या मर्जर्स या इवन फॉरेन एयरलाइंस, हो सकता है कि किंगफिशर के पास वो एक ब्रांड तो ज़रूर है, कोई और यदि इसमें पूंजी डालने के लिए कोई तैयार हो तो उनको आने दीजिए, हो सकता है कि कंसोर्टियम भी आके उनको कुछ बेल आउट कर सके। तो मुझे लगता है कि इस समय ये कहना कि आप पूरा इसको राइट ऑफ करें, वो भी शायद सही नहीं होगा, बिकॉज ये सच्चाई है कि जेट एयरवेज हो या बाकी भी आपके जो भी एयरलाइंस हो, उनका भी आर्थिक जो अभी कहते हैं स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है। इसका मतलब कुछ कानून, कुछ नियम इसको भी देखना पड़ेगा। देखिए, बहुत जो उद्योगपति लोग जिन्होंने एविएशन में बहुत ही पूंजी और इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने उनके लिए भी शायद ये पहली बार उनके लिए भी एक बहुत ही एक नया बिजनेस मॉडल था, और सभी लोग भारत में ये बड़ी इंडिया स्टोरी को लेकर बढ़ गए कि यहाँ बिजनेस बहुत ग्रो करेगा, यहाँ पर तो एयर इंडिया का पेनिट्रेशन बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि ये एक ट्रायल पीरियड है। मुझे लगता है कि किंगफिशर की जो मैनेजमेंट है, बहुत ही गलत निर्णय उन्होंने ली है, उनको उसका उसके उसके लिए उनको जो अभी आज दिलवाले जो आज दिवाला हो गए उनके लिए डिफिकल्ट मोमेंट्स हो गए। लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें सरकार का एक रोल है कि एक पॉलिसी भी सही करना पड़ेगा। और जहां तक ये मैनेजमेंट का सवाल है, विजय माल्या जैसे काफी नामी जो उद्योगपति हैं, उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि लोग आपको आईपीएल में देखते हैं 40 दिन एक मैच देखते हुए, तो उनको भी लगता होगा कि आप ये अपना बिजनेस कब चलाते हैं। यदि आप 40 या 2 महीने तक आप क्रिकेट मैच बैंगलोर दिल्ली में घूम रहे हैं, तो आप मैच आप कंपनी कब चलाते हैं। तो ये परसेप्शन की भी बात है, नजरिया चला रहे फॉर्मूला वन। जी जी हेलो जी सुभाष गोयल जी, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, किंगफिशर रहे ना रहे, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आप किंगफिशर को बंद कर दें कल, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि जो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री है, इसमें आप एफडीआई नहीं अलाउ कर रहे। आप देखिए, इंडियन बैंक से आपको 12-14% पे फंड्स मिलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आपको 2-3-4% पे फंड्स मिलते हैं, आप बर्गर्स में और पिज्जाज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई अलाउ कर रहे हैं, आप फॉरेन एयरलाइंस को इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करने नहीं दे रहे। यू सी, दी होल एविएशन पॉलिसी इज रॉन्ग। नहीं नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँ, यहाँ मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा होगी, यहाँ मैं आपको यहाँ में वो की इसके कॉज क्या है, यहाँ मैं आपको बाकी लोग सुसाइड ना करें, वो कॉजेज हमें रिमूव करने हैं। यहाँ मैं आपको जरा क्लैरिफाई करना चाहूंगा ताकि दूसरे आदमी ना सफर करे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंडियन एविएशन इंडस्ट्री टू क्रैश, सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई करूँ की एविएशन
पॉलिसी में चेंजेस आने जरूरी है। देखिए सबसे पहले मैं आपको क्लियरिटी पर्सनली जी सुभाष गोयल जी हर्षवर्धन जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं जो आपकी प्रतिक्रिया। देखिए मैं सबसे पहले मैं आपको क्लेरिफाई करूं कि इस इंडस्ट्री में 49% एफडीआई परमिटेड है। पॉलिसी विच नीड्स टू बी चेंज्ड। सबसे पहले मैं क्लेरिफाई करूं कि इस इंडस्ट्री में 49% एफडीआई शेड्यूल सेक्टर में परमिटेड है, सिर्फ फॉरेन एयरलाइंस को परमिशन नहीं है, जो एक कॉन्शियस डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसलिए लिया था कि लोकल एंटरप्रेन्योर लोग पूरी बात सुन लीजिए कि लोकल एंटरप्रेन्योर्स को रास्ता मिले, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले और उस पॉलिसी से इस मुल्क के एंटरप्रेन्योर्स को फायदा मिला। जेट एयरवेज आज एक बहुत बड़ी एयरलाइंस मानी जाती है सिर्फ इसलिए कि लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को आपने बढ़ाया। उसके बाद जहां तक फॉरेन फंडिंग का सवाल है, एविएशन में जितने जहाज खरीदे जा रहे हैं, जितने स्पेयर्स खरीदे जा रहे हैं, जितने इंजन खरीदे जा रहे हैं, सब फॉरेन फंडिंग से खरीदे जा रहे हैं, जिसपे जो है लाइबर प्लस 0.5% या 1% का रेट होता है। तो ये आपका कहना गलत है कि 12-14% के रेट पर जहाज खरीदे जा रहे हैं। सिर्फ लोकल लिमिटेड जो वर्किंग कैपिटल है वो फंड ये इंडस्ट्री जो है उस पर लेती है। फॉरेन मैनेजमेंट ऐसा है, यहां मैं आपको जरा क्लेरिफाई कर दूं। यहां जो इन प्राइवेट कैरियर्स की देखिए, जो इन प्राइवेट कैरियर्स की एक बेसिक प्रॉब्लम है वो यही है कि लोकल मैनेजमेंट की बजाय दे हैव बीन ओनली डिपेंडिंग ऑन फॉरेन मैनेजर्स। यू सी दिस इज एन इंटरनेशनल बिजनेस, यू नीड एक्सपर्टीज एंड कोलैबोरेशन विद अदर सक्सेसफुल फॉरेन एयरलाइन कंपनीज। जी जी, एविएशन सेक्टर में सुधार की जरूरत है, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, वो नीतिगत फैसले हैं जो सरकार को करने की जरूरत है। सबसे बड़ा सवाल वो है, लेकिन यहाँ पर जो सवाल अभी उठा हुआ है जिस पर हम चर्चा करें वो यही है कि जब जनता को बेल आउट पैकेज नहीं है तो किंगफिशर को बेल आउट पैकेज क्यों, एक निजी कंपनी को बेल आउट पैकेज क्यों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। ये है स्टार, और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़। आपको रखे आगे।